भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है जिसका नाम भूटान है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर अभी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी भी बहुत कम ही जानते हैं। दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में भूटान देश के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक और मजेदार फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको भी मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ में लगी जो घंटी है ना, उसे भी दबा देना। भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक है। वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। थिम्पू पहले थिम्बू नाम से जाना जाता था। भूटान ज्यादातर पहाड़ी भूमि पर स्थित है। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके उत्तरी क्षेत्र में ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी है, जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया। भूटान का 60-70% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, और यहाँ के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनका यह मानना है कि धरती पर कम से कम 60% जंगल होना चाहिए। दोस्तों, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम द्रक यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर होता है। आपको यह जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि इस देश में सन 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहले विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकारें पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है, और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान के पास तो अपनी सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से नौसेना नहीं है, इसके पास वायु सेना भी नहीं है, और इस क्षेत्र में भारत ही उनका ख्याल रखता है। टीवी और इंटरनेट पर बैन, हाँ आपने सही सुना, भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंधित था। यहाँ एक ही राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पहला चुनाव सन 2008 में करवाया गया था। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने सन 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। वहीं शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। कई लिहाज से भूटान अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड्स में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां तो वहां सन 1999 से ही प्रतिबंधित है, और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से कोई संबंध नहीं बनाए। मानिए आप दिल्ली में घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको भी हटा दिया गया। भूटान अपने जीवन स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी से नापता है, न कि सकल घरेलू उत्पाद GDP से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं, और GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है, वह भारत को पनबिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। गंगखार पुनसुम यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह काफी पवित्र है, और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं। तो ये थे भूटान देश के बारे में कुछ बेहद ही मजेदार फैक्ट्स। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।